jungle. नाजरीन, हमारे साथ आज कलीम टकलिया साहब मौजूद हैं। हमारे मालेगांव के अंदर तकरीबन 130 राशन दुकानें हैं, जिसमें से ज़्यादातर राशन दुकानें जो हैं दूसरों को किराए पर दी गई है, और बहुत सारे राशन दुकानों के मालकान जिनके नाम पर राशन का लाइसेंस है उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी वफात हो चुकी है, और ऐसे ही राशन दुकानें जारी हैं। आज हम आते हैं, इनसे थोड़ा मालूमात लेते हैं इसके बारे में, और ये उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं लॉकडाउन हटने के बाद, जो लोग राशन दुकान को भाड़े से दिए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, जनाब कलीम टकलिया साहब से। हाँ, मालेगांव में 130 दुकान है, उसमें से अंदाजन 80 दुकान भाड़े से चल रही है। कोई 10 साल से लिया है, कोई 20 साल से लिया है, कोई 5 साल से लिया है। तो ऐसी दुकान जो है, कोई गृह संघ की दुकान है तो ऐसे तला दी जाती है कि जो लोगों की दुकान है वास्तव में इनके ऊपर लाइसेंस है जिनके नाम पे, वो इनसे जो लोगों को दिया गया है, गृह संघ की दुकान हो या सरकार, तो इनका कोई वो नहीं है, तो इनसे दुकान वापस ली जाए। परमिशन नहीं है, DSO का परमिशन चाहिए उनको भाड़े से दुकान देने का। तो ये लोग क्या बोलते हैं, सेल्स मैन है, ये सब गलत बात है। DSO का परमिशन होता और गृह संघ की जो दुकान है उसको कोई भाड़े से दे नहीं सकते। तो ऐसी जो दुकान मालकान है उनसे जो लोग दिए है उनसे दुकान वापस ले लो, जैसे इसके बाद हम जो भी कार्रवाई करेंगे DSO के तब जाके गृह संघ की तरफ, ये उनके खुद जिम्मेदार होंगे। वकील मार्फत हम इनको मालकान को सबको नोटिस लॉकडाउन के बाद हम देने वाले हैं, और नोटिस देने के बाद गृह संघ को भी देंगे। तो ऐसी दुकान हम पूरा DSO से बात करेंगे, सुफियान भाई, हम लोग सब, इकबाल ईरानी। तो ऐसा हमको मालूम आता है कि ये अभी भी दुकान, अभी 4-5 दुकान आजकल में भाड़े से गई है, 42 है, 40 नंबर है। तो ऐसे जो दुकान मालकान हैं जो अभी दिए, तो उनसे गुजारिश कर दी जाती है कि वो अपनी दुकान खुद वापस ले ले, न तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। हम सब लगे हुए, मुख्तार आजमी, इकबाल ईरानी, अपने सुफियान भाई और उबाद भाई, ये सब हम लोग सब एक लगे हुए, और ये दुकान हम इनसे वापस दिलाएंगे, मालकान की दुकान को खुद चलाए। एक सवाल ये भी था कि कोरोना वायरस के डर से कुछ हिंदू भाई जो हमारे एरिया में दुकान चला रहे थे, सुनने में आया है कि वो लोग भी भाड़े से दे दिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो दो महीने जो दिए है वो लोग, तो खुद एक दो महीने की बात, वो बात तो लॉकडाउन खत्म होगा तो खुद चलाए आगे। बाकी भाड़े तो तुम करारनामा करते, सेल्समैन बनाते, ये सब गलत बात है। DSO का परमिशन के अलावा कोई भी दुकान दे नहीं सकते। तो हम DSO को अप्लीकेशन देंगे, और यहाँ के अधिकारी को तो सब मालूम रहता है, उनका मोबाइल चेक कराएंगे कि दुकान वाले इनसे बात करते हैं कि नहीं करते, ये सेल्समैन से बात करते हैं, इनका लेन देन क्या होता है, सब हमको सब मालूम है। तो बराए मेहरबानी जिसकी की दुकान है, जिसके पास लाइसेंस है, वो खुद चलाए। अगर नहीं चला सकते तो अपना लाइसेंस जमा करा दो, DSO अपना खुद ही GR निकाल के उनको दुकान देंगे, बाकी भाड़े से दुकान ना दिया जाए। अच्छा, वकील मार्फत आप ये कानूनी कार्रवाई वकील मार्फत करने वाले हैं क्या? आप कोई कानूनी कार्रवाई वकील मार्फत इनके खिलाफ करने वाले हैं? हम वकील मार्फत, हम कोई भी वकील लगा के हम इनके ऊपर नोटिस भेजेंगे, DSO को नोटिस देंगे, यहाँ के अधिकारी को देंगे। हम सब भी पूरा हमारा प्लान बैठ चुका है। बाकी इससे पहले कभी कोई दुकानदार, जो भी दुकान 130 दुकान जो भाड़े से गई है, कभी ये लोग ले लेते हैं दुकान, तो उनकी जरूरत नहीं हमको नोटिस देने का। अगर घर नहीं लिया, हम दिख रहे कि दूसरे लोग चला रहे हैं, तो हम उनको वकील मार्फत नोटिस देंगे, कोर्ट में केस दाखिल करेंगे, ये सब हमारा प्लान है। कि जो किराए से दुकान देते हैं तो इसमें ब्लैकमेलिंग ज्यादा होती है, ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा होती है क्या इसमें? हाँ, वो जो भाड़े से लेते हैं, जैसे एक दुकान वाला भी भाड़े से दे दिया है, वो क्या करेगा, कुछ लोगों का कार्ड उड़ाएगा, वो अपना कार्ड डालेगा, और फिर वो ब्लैक में चावल बांटेगा, गेहूँ बांटेगा, ये सब ब्लैक मार्केट तो करते हैं, ये सबको मालूम है। बाकी ये रोक के वजह से बोला जा रहा है कि अपनी दुकान खुद चलाए, तो उनको समझेगा क्या है, जो दुकान भाड़े से चलती है वही दुकान वाला ये सब काला बाजारी चोरी चमारी करता है। ये तो ये बंद करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं कि काला बाजारी बंद हो जाए, और जिसकी लाइसेंस है वो खुद दुकान चलाए, या
जमा करा दी। हाँ, सरकार उनको जो देगी वो ठीक हो उनके लिए इतना बहुत हमको मंजूर। आप यानी जानते हैं